नमस्ते, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और श्रावण मास की यानी सावन के महीने की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ श्रावण मास का क्या महत्व है। मतलब ये शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। जितने भी महीने हैं उनमें से सबसे प्रिय शिव भगवान को यह मास है। और यह मास, यह महीना किस देवता को समर्पित है और जो आज सोमवार व्रत है उसका क्या विधि है, उसकी क्या कथा है और उसका क्या महत्व है और पूरे श्रावण मास का क्या महत्व है, आपको मैं बताने जा रही हूँ। कृपया करके ध्यान से सुने। और अब सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि देवी शयनी एकादशी जो आपने देखा था कि 1 जुलाई को थी, तो उसके पश्चात क्या हुआ। उसके पश्चात यह हुआ कि जो श्रावण मास है उसमें जो सारा कार्यभार है, यानी कि आपने सुना होगा ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग देवता होते हैं, संहार के देवता शिव हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वह उत्पत्ति के भी हैं। ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं और जो है विष्णु भगवान सृजन करते हैं। तो देव शयनी एकादशी के दिन 4 महीने के लिए सो गए हैं और देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी के दिन वो निद्रा से जागेंगे। तो इस समय आप सोचिए कि इस समय कौन यह कार्यभार संभाल रहा है, मतलब यह काम कौन कर रहा है, संसार को चलाने वाला काम कौन कर रहा है, क्योंकि संसार को चलाने वाला काम तो भगवान विष्णु का था। तो संसार को चलाने वाला जो सारा काम है वो भगवान शिव के ऊपर ही आ गया है दोस्तों। तो इस वक्त जो सृष्टि के जो संचालन करता है, चलाने वाले हैं, वो भगवान शिव है 4 महीने के लिए। और यह बहुत खुशी की बात है दोस्तों, क्योंकि भगवान शिव भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। छोटी सी पूजा और सच्चे मन से दिव्य प्रसाद या पूजन या एक बेलपत्र से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये बहुत शुभ और बड़ी बात है। इसलिए सब सच्चे मन से भगवान शिव को मनाएं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ज़रूरी नहीं आप पूजा करें, बस उनको सच्चे मन से याद करें। अगर आपकी तकलीफें खत्म ना हो रही हो तो उनको याद करें और देखिएगा, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जब आप उनको याद करेंगे तो आपकी अवश्य मदद करेंगे। यह मेरा संपूर्ण विश्वास है और यह 100% सच है। तो दोस्तों इस तरह से, मतलब इस श्रावण मास का विशेष यानी कि सावन के महीने का विशेष महत्व है, क्योंकि इस समय जो सृष्टि को चलाने का यानी कि जगत को चलाने का, दुनिया को, ब्रह्मांड को चलाने का जो कार्यभार है, जो कार्य मतलब ड्यूटी है, वो भगवान शिव के हिस्से में आ जाती है। तो भगवान भोलेनाथ है और धरती पर वो इस वक्त भ्रमण करते हैं, यानी कि घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं और जो मतलब उनके भक्त होते हैं उनको दर्शन देते हैं। उनके भक्त जो उनको पुकारते हैं तो एकदम से जल्दी उनको दर्शन प्राप्त होते हैं इजीली। और जो दुष्ट होते हैं और जो मतलब बुरे लोग होते हैं, बुरे कार्य करते हैं, उनको भगवान दंड भी देते हैं। तो इस समय भगवान शिव धरती पर साक्षात रूप में भ्रमण करते हैं, ट्रैवल करते हैं और पूरे कार्यभार संभालते हैं। ये तो हो गया कि श्रावण महीने का विशेष महत्व क्या था। श्रावण महीने के देवता कौन है? श्रावण महीने यानी कि सावन के महीने के देवता हैं चंद्र, और चंद्र और भगवान शिव। तो ये भगवान शिव और चंद्र को समर्पित है, यानी कि चांद को समर्पित है। हमारे जो ज्योतिष विद्या है या जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वो हर एक ग्रह और मतलब इन सब चीज़ों को मैं परमेश्वर को ही मानती है, और परमेश्वर है, यही सत्य है। सिर्फ मनगढ़ंत घटनाएं नहीं है, कथाएं नहीं, यह बिल्कुल सत्य है। जो भक्त है वही जानते हैं कि यह सत्य है, जो अभक्त है वह इन सब चीज़ों को जानने योग्य ही नहीं है और ना ही जान सकता। लेकिन वह योग्य जब होता है जब वह सच्चा इंसान है। अगर आप सच्चे इंसान हो तो अवश्य ही, ज़रूरी नहीं है कि आप भक्त हो, लेकिन अगर आप सच्चे इंसान हो, आपके कर्म सच्चे हैं, तो परमेश्वर आप पे वैसे ही प्रसन्न होते हैं। ज़रूरी नहीं आप उनका नाम लें। तो यही है कि मतलब भगवान का नाम लें, अच्छे कर्म करें, तो भगवान जल्दी और भी जल्दी प्रसन्न होंगे। चलिए, और अब मैं आपको बता रही हूँ आज का जो व्रत है उसकी विधि। आज सुबह जब आप सोमवार को जब व्रत करेंगे, जो भी सोमवार के व्रत है, सोमवार के व्रत कई प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रदोष सोमवार व्रत, मैंने आपको बताया था, प्रदोष की कथा सुनाई थी, जो त्रयोदशी के दिन होता है, यानी कि 13 डेज पर होता है। 13 डेज का जो सर्कल होता है पूर्णिमा और अमावस्या का, तो 2 त्रयोदशी पड़ती हैं, 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं महीने में। एक तो वो प्रदोष व्रत, सोम प्रदोष व्रत होता है, और एक होता है आपका 16 सोमवार, जिसमें 16 सोमवार का हम वचन बद्ध होते हैं, यानी कि वो लेते हैं कि हमें 16 सोमवार ही करने हैं, वचन लेते हैं। और उसके बाद वो एक सोमवार व्रत, जिसमें हम एक तो सावन के सोमवार भी विशेष है, और सोमवार व्रत जो कि मतलब भक्त अपनी इच्छा से जितने मर्जी करता है, आजीवन करता है,
तो इस प्रकार से व्रत है। अब इसकी विधि क्या है, सुबह आप उठ जाइए सोमवार के दिन, सोमवार के दिन के पूरे महीने भगवान शिव की पूजा कीजिए। ये तो विशेष काल है और आप भक्त हैं तो बस आजीवन ही उनकी पूजा कीजिए, जिंदगी भर ही उनकी पूजा कीजिए, तो कभी आप दुखों में भी दुखी नहीं होंगे और हमेशा ही सुखी और आनंद और परमेश्वर के जो प्यार का अनुभव करेंगे, फील करेंगे उनको। तो सुबह उठ जाइए आप और अपना सारे घर का कार्य पूर्ण कर लीजिए, घर का काम पूरा कर लीजिए और उसके बाद भगवान शिव को जो भी है बेलपत्र वगैरह, बेलपत्र जो भी फूल है, भांग है, जितने भी सारे चीज़ें, धतूरा है, अलग अलग तरह के जंगली पुष्प भी इन पर चढ़ते हैं और जिस भी प्रकार के आप चढ़ाना चाहते हैं शिव भगवान पर चढ़ाइए और वो आप बहुत प्रसन्न होगी। और दूध में आप मतलब दूध चढ़ाइए, जल में दूध मिला लीजिए, जल में गंगा जल मिला लीजिए, यानी कि पानी में गंगा जल मिला लीजिए, पानी में दूध मिला लीजिए, पानी में शहद मिला लीजिए। शहद मिलाने से अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें चढ़ाने से अलग अलग प्राप्ति होती है, मतलब अलग अलग फल मिलता है, वो आपको मैं अलग वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कोई दूध चढ़ाता है, कोई घी चढ़ाता है, कोई पंचामृत चढ़ाता है, यानी कि दूध दही घी शहद इनका मिश्री सब चीज़ों का मिक्सचर, और मतलब और गंगा जल और गौमूत्र होता है उसमें, तो वो सब चढ़ाते हैं। तो ये बहुत विशेष है, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप परमेश्वर पे चढ़ाइए। और जिनकी शादी ना हो रही हो तो हल्दी वाला जल चढ़ाइए तो इससे हो जाएगी आपकी शादी। और ये बिल्कुल विशेष मतलब दिन है, भगवान शिव धरती पर साक्षात हैं, घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर मनाइए। तो इस प्रकार से आप मतलब जो भी चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाइए और पूजा कीजिए। जो भी मंत्र आपको आते हैं, त्र्यंबकम मंत्र या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योरमुक्षीमामृतात्, ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षर मंत्र है। और इसके अलावा मैं आपको एक मंत्र और बता देती हूँ जो है रुद्र मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। मैं समस्त प्रकार के जो मंत्र है उनका प्रयोग करती हूँ। दूसरा है कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंते हृदय रविंदे भवम भवामी सहितम नमामी। इस प्रकार के जो भी मंत्र है उनका आप मतलब उच्चारण कीजिए, जो भी आपको आते हैं, अगर ओम नमः शिवाय आता है, त्र्यंबकम मंत्र आता है, उनका उच्चारण कीजिए। अगर आप जाप करना चाहें तो जाप भी विशेष महत्व है। और इस प्रकार से आप व्रत कीजिए और पूरे दिन भर आपको कुछ नहीं खाना है, लेकिन जो लोग असंभव है जिनसे करना तो फ्रूट्स वगैरह दिन में खा सकते हैं या नमक वाले आलू खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ये नहीं कहते कि दिन भर उनके लिए कि भूखे रहो, उनके लिए बस सच्ची पूजा कीजिए, मन से पूजा कीजिए और बस उनको याद कीजिए, उनका जाप कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, वो इतने में ही प्रसन्न है। और जो व्रत नहीं कर सकते ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ पूजा कर लीजिए। तो इस तरह से आपको करना है, दिन भर कुछ नहीं खाना है, लेकिन जिनसे अगर नहीं रहा जाता तो वो फ्रूट्स खा सकते हैं और शाम को एक बार उनको भोजन करना होता है। भोजन में आपकी इच्छा है, कोई नमकीन खाना खाता है, कोई साधारण खाना खाता है, कोई मीठा खाता है, कोई मीठी चीज़ें खाता है, कोई मीठे व्रत रखता है, कोई नमकीन रखता है, तो एक ही टाइम वो खाना खाता है शाम को। और ये जो सोमवार का व्रत है तीसरे पहर तक ही माना जाता है, तीसरे पहर तक ही होता है। और इसमें आप दूध चाय वगैरह पानी वगैरह तो पी ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर का नाम जपिए, मन में पाप ना रखिए, मन में छल ना रखिए और उसे जलन ना रखिए, तो भगवान बहुत जल्दी ही प्रसन्न होंगे। और सेवा कीजिए, बुरे हैं जो लोग बुरे हैं उनकी भी सेवा कीजिए, अगर उनको सेवा की आवश्यकता है तो। ऐसा नहीं कि मतलब मुझे पता है कि बुरे लोगों से आप बुरा बोलेंगे तो कीचड़ आपके मुंह पे ही उछलेगा, यानी कि बुरे से बुरा कहेंगे, क्रोध के बदले आपको क्रोध ही मिलेगा। इसलिए मैं ये आपसे प्रार्थना करूंगी, बल्कि मैं भी अपने जीवन में ऐसे कर देती हूँ क्रोध, लेकिन मैं अपने आप को नियंत्रित करने की, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि क्रोध के बदले आपको क्रोध ही मिलने वाला है। ऐसा कोई महान पुरुष अधिकतर इस दुनिया में नहीं है जो आपके क्रोध के बदले में आपको प्रेम देगा, वो तो भगवान शिव और बुद्धा ही थे। और बहुत लोग हैं जिनको मैं नहीं जानती या जानती भी हूँ, लेकिन आज के समय में मैंने उनको देखा नहीं है तो मैं ज़्यादा बता नहीं सकती। तो इस तरह से आपको यह व्रत करना है। और प्रसाद में आप कुछ भी भगवान जी के लिए बना सकते हैं, भगवान को जैसे भगवान मेरे स्वप्न में आए थे, आपको मैं बता रही हूँ, भगवान बचपन से मेरे स्वप्न में आते हैं और जब भी मैं उनको बुलाती हूँ वो मेरे स्वप्न में आते हैं, मेरे सपने में आते हैं। और भगवान ने मुझसे एक बार कहा था सपने में आके, मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत
मतलब मैं बहुत धन्य हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि भगवान मेरे सपने में आते हैं और मुझे गले लगाते हैं, मुझे प्रेम करते हैं पिता की तरह। मेरे पिछले जन्म का संबंध भी है उनसे, तो यह भी कारण है। लेकिन मैं उनकी बचपन से पूजा करती हूँ, ऐसा नहीं है, भक्ति भी इसका कारण है। जब छोटी थी 4.5 साल की तब से, तो दोस्तों उन्होंने मुझे सपने में बताया था कि उनको छोले चाहिए, छोले पूरी मैं उनके लिए बनाऊं। तो मैं सोमवार के दिन कोशिश करती हूँ, या जब भी व्रत होता है तो मैं उनके लिए कोशिश करती हूँ कि मैं उनके लिए छोले बनाऊं, छोले पूरी यानी कि छोले बाइट छोले। तो उन्होंने मुझे सपने में आके बोला था कि मुझे छोले बनाना। और जब मतलब माता भी आती है सपने में तो उनको भी कुछ चाहिए होता है तो मुझे बोलते हैं, या जिस भी पीर फकीर को कुछ भी चाहिए होता है, या जो मतलब मेरे बेटा होने वाला था तो भी ऐसे एक पीर ने आके सपने में चादर मांगी थी और चंदन का इत्र मांगा था तो मैंने वो दिया था। तो बचपन में ही ये सब चीज़ें मुझे परलौकिक चीज़ें या भगवान मुझे दिखते हैं, और ये बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मेरे साथ मेरे भगवान जुड़े हुए हैं। मैं आपको नहीं बता सकती, मैं बहुत खुश नसीब और शांतिमय हूँ कि मतलब वो मेरे साथ हैं, जब कोई नहीं होता तो भी वो मेरे साथ होते हैं। ये भक्ति की सच्ची कथा है दोस्तों। अब मैं आपको बता रही हूँ इस जो मतलब इसकी क्या कथा है, मतलब पुराणों के अनुसार इसकी क्या कथा है, वो सोमवार व्रत कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अपने जो अनुभव है, मेरी जो सच्ची भक्ति की कथा है, इसमें थोड़ा अंत में आपको वो सुना दूँ, ताकि आपको यकीन हो कि भक्तों की हमेशा भगवान सुनते हैं। मेरे को पता है जो भक्त हैं जिनकी भगवान ने सुनी है वो तो यकीन कर ही लेंगे, जिन्होंने नहीं सुनी है मतलब जिनकी अभी तक उनको शिव या भगवान की कृपा नहीं हुई, तो वो भी जल्दी से इस कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। तो वो समय प्राचीन समय की बात है दोस्तों। एक नगर में एक साहूकार था, मतलब एक व्यापारी था, और वो भगवान शिव की मतलब रोज़ पूजा करता था, नियम से पूजा करता था, डेली रोज़ बचपन से लेके मतलब वो युवावस्था से भी थोड़ा ऊपर आ गया था तो वो पूजा करता था। तो लेकिन उसके जो घर कोई भी संतान नहीं हुई थी, तो इस कारण वह बहुत बहुत दुखी तो नहीं था, लेकिन थोड़ा दुखी रहता था, और उसकी पत्नी काफ़ी दुखी थी। तो भगवान शिव और पार्वती एक दिन उसके बारे में विचार करते हैं कि यह कितना सच्चा भक्त है, यह रोज़ बिना किसी मतलब हर बाधा को पार कर, चाहे बरसात हो तूफान हो, यह मंदिर आता है और यह हमारे लिए दीपक जलाता है और हमारी पूजा करता है सच्चे मन से, और कोई भी कामना हमसे नहीं करता बिना दुख, मतलब कोई भी मतलब ज़्यादा दुख भी अनुभव नहीं करता। तो मुझे माता पार्वती बोली, मुझे इस पर दया आ रही है, इसके घर कोई भी संतान नहीं है, तो हे शिव भगवान इसके मतलब इसको एक संतान दे। तो शिव भगवान बोले, जो इसके जो कर्म हैं पूर्व जन्म के कर्म हैं, इसके कारण इसको संतान प्राप्ति नहीं हुई है, और किसी के पूर्व जन्म के कर्मों को हम नहीं बदल सकते, यह नियम के खिलाफ है शिवा, यानी कि वो ऐसे पार्वती माँ से कहते हैं। लेकिन पार्वती माँ फिर आग्रह करती है, और उसकी पत्नी के जो आंसू थे, रोज़ उसकी पत्नी थोड़ा विलाप करती थी, लोग उसको बांझ बांझ कह के पुकारते थे, तो बड़ा दुख होता था माता को। माता तो माता है, शिव भगवान तो नियम के पक्के हैं, लेकिन माँ का दिल तो, माँ पार्वती का दिल तो नाजुक था। तो फिर माता ने भगवान शिव को मना लिया कि वो इसको आशीर्वाद दे। और इस तरह की जो वार्तालाप चल रही थी ना उस वक्त मंदिर में एकदम से, तो वो उस पुजारी को उसकी भक्ति के कारण सुनाई देती है, क्योंकि उसकी इतनी भक्ति थी, प्राखंड हो गई थी, इतनी हाई थी उसके अंदर भक्ति की, जो मतलब परमेश्वर की वाणी सुन पा रहा था, कि मतलब जो भगवान बातचीत कर रहे थे उस वक्त मंदिर में, वो आवाज़ उसको भी सुनाई दी। तो वह सुन के ना तो उसको दुख होता है, ना ही बहुत अधिक सुख होता है, और वो नियम से उसी तरह से भगवान की पूजा पाठ करता रहता है। और एक दिन उसके घर मतलब जल्द ही उसके घर एक बेटे का जन्म होता है, और जब वह बेटा 11 वर्ष का होता है तो उसके जो पिता है साहूकार है वो उसको भेज देते हैं। वो सोचते हैं कि मतलब अपने मन में, अगर ये जो इसका समय आने वाला है मृत्यु का, 12 वर्ष में इसकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या करें। तो उसने सोचा कि मतलब ये अपना जो आखिरी समय है, आखिरी साल है, अच्छे पुण्य कर्मों में बिताए। तो वह उसके मामा को बुलाता है और कहता है कि तुम लोग अब इसको, इसके शिक्षा का समय हो गया, इसको पढ़ाने का समय हो गया। तो पहले के जो समय में जो शिक्षा थी वो लेट लेट शुरू होती थी दोस्तों, 10-11 साल पे ऐसी शुरू होती थी। तो उसने इसके मामा को बुलाया और उसने बोला कि इसको काशी ले जाओ इसको पढ़ाने के लिए। तो उसको बहुत सारा धन दिया और कहा, रास्ते में जहाँ जहाँ भी रुको वहाँ पर ही आप यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों और गरीबों को दान देते जाना। तो इस प्रकार वो
मतलब ऐसे करते करते काशी मतलब पहुंचते हैं, और बीच रास्ते में एक नगर आता है जहाँ पर एक विवाह समारोह हो रहा होता है, यानी कि विवाह हो रहा होता है। और जहाँ जहाँ पर भी वो रुकते तो यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को दान देते, गरीबों को दान देते हुए जा रहे थे। तो उस समय एक नगर आता है रास्ते में और वहाँ पर एक विवाह समारोह हो रहा था। तो वहाँ पर एक शिविर लगा था राजा का, तो वहाँ पर ही मतलब उसने जो जो साहूकार का लड़का था और अपने मामा के साथ वहीं पर रुक गया था। तो वहीं पर वो यज्ञ करा रहे थे, ब्राह्मणों को दान दे रहे थे, गरीबों को दान दे रहे थे। तो वह देखने में बहुत ही सुंदर था और बहुत सुशील और तेजोमय था, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से और माता शिव की कृपा भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से वह पुत्र प्राप्त हुआ था साहूकार को। तो बहुत देखने में सुंदर और तेजोमय था। तो जो उसका जो लड़का था राजा का, वो एक आँख से काना था, यानी कि एक आँख से अंधा था, उसको दिखाई नहीं देता था। तो मतलब फिर राजा ने सोचा, अगर मैं अपने बेटे की शादी कराऊंगा तो सब लोग मतलब ऐसे बेटे की शादी कराऊंगा जो एक आँख से काना है, तो वो उससे शादी नहीं करेंगे दूसरे जो लोग हैं। हमने रिश्ता भी पक्का कर दिया है और मतलब, लेकिन मेरे बेटे को अभी देखा नहीं है, लेकिन वो देखेंगे तो मतलब वह शादी तोड़ देंगे वो राजकुमारी जो दूसरे राजा थे इसलिए। तो फिर उसने सोचा कि मतलब उसकी दृष्टि जाते भी इतना सुंदर है तेजोमय, तो इसको मतलब इसे शादी करा देता हूँ मंडप में, और मतलब और फिर मतलब इसको धनवन दे के यहाँ से विदा कर दूंगा, और जो राजकुमारी है और जो मतलब राजकुमारी को ब्याह के अपने जो अपने नगर ले चलेंगे। तो वो ऐसे सोचने लगा। तो वह ब्राह्मण के बेटे को मतलब जो साहूकार का बेटा था, तो उसको उसने ऐसे कहा कि मतलब जो अपनी बात बताई कि आप इस तरह से कि मेरी सहायता कीजिए, मेरा बेटा मतलब एक आँख से देख नहीं सकता। तो उन्होंने सहायता की और मतलब शादी हुई उसकी मंडप में। लेकिन वो लड़का जो था वो झूठ नहीं बोलता था, सच बोलता था, छोटा था। तो उसने लिख दिया, थोड़ा बहुत तो बच्चा पढ़ना लिखना जानते, तो पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत, पढ़ना लिखना तो घर पे सिखा देते थे पहले। तो उसने लिख दिया कि मतलब राजकुमारी को चुन्नी में लिख के बांध दिया कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मतलब मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ, और जो जिससे तुम्हारी शादी हुई है वो मैं हूँ, और जिससे जिसके घर तुम्हें ले जाया जाएगा वह एक राजकुमार है जो कि मतलब राजा का काना बेटा है। मतलब उसने ऐसे लिख दिया और वो चला गया रास्ते में, और जो काशी चले गए वो लोग। और राजकुमारी ने भी पढ़ लिया कि मतलब क्या लिखा था चुन्नी में, जब चुन्नी में उसने बांधा। तो फिर इस तरह से उनकी बारात विदा नहीं होती है और राजकुमारी उस राजा के घर नहीं जाती है, मतलब अपने ससुराल जो ससुर बन गए थे उनके, तो उसके घर नहीं जाती हैं। और वह काशी में जो चला गया था ब्राह्मण पुत्र, उसकी प्रतीक्षा करते हैं और उसको ढूंढने और खोजने निकल जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जब वो 12 वर्ष का होता है, जिस दिन उसका बर्थडे था उस दिन वो अपना यज्ञ करा, उसने मतलब काशी पहुंच गए थे वो लोग, यज्ञ किया, यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मणों को दान दिया, और वह लड़का एकदम से उसके प्राण निकल गए किसी कारणवश, यानी कि सांप ने काटा और उसके प्राण निकल गए। तो उसका मामा रोने लगा, बहुत ज़्यादा रोने लगा, और संयोगवश, यानी कि आप सोचिए संयोगवश क्या, ये सब माँ और भगवान की ही लीला है, शिव माता पार्वती की लीला है, जिन्होंने शिव जी को मनाया, जिन्होंने मतलब जो हमारे कर्म होते हैं ना, मतलब पिछले जन्मों के कर्म भी होते हैं, वो भी भक्ति से, सच्ची भक्ति उनको मिटा देती है, भगवान को विवश कर देती है नियमों को बदलने के लिए। जैसे सत्यवान सावित्री, जैसे मृत्यु को बदलना एक मुश्किल समय होता है, मतलब एक मुश्किल बात होती है, लेकिन भगवान की भक्ति या सच्चे इंसान की भक्ति या आवाज़ और प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, और वो मृत्यु को भी, बड़ी से बड़ी मृत्यु, बड़े बड़े से बड़े संकटों को भी टाल देती हैं। तो संयोगवश माता शिव और पार्वती वहीं से गुजर रहे थे और वह जोर जोर के रो रहा था। और जब वह रो रहा था तो मतलब माता से उसका जो मतलब पार्वती माता से उसका रोना सहन नहीं हुआ, तो वो बोले, तो वो निकट गए उसके भगवान शिव और पार्वती अदृश्य रूप में कि है कौन है वो। फिर वो बोलते हैं कि मतलब माता शिव जी बोलते हैं कि ये जो वही लड़का है जो 12 वर्ष जिसकी आयु थी और जिसको हमने मतलब साहूकार की आपने मतलब जिसके साहूकार के ऊपर कृपा करके आपने उनको मतलब कहा था कि इसको पुत्र की प्राप्ति हो। तो वह है मतलब सोच के, माता को तो पता ही था, तो फिर माता ने मनाया भगवान शिव को कि मतलब इसको आप जीवन दान दे दीजिए, कोई बात नहीं, भक्तों के लिए थोड़ा बहुत कर दीजिए, जीवन मृत्यु तो चलता है, कि मृत्यु तो एक परम सत्य है, मृत्यु को तो आज ना कल तो आना ही है, तो आप इसको जीवन दान दीजिए,
फिर माँ दोबारा से आग्रह करती है। तो इस तरह से वो लड़का जीवित हो जाता है, भगवान उसे जीवित कर देते हैं, भगवान शिव शंकर। तो देखें, ये सच्ची भक्ति की, सच्ची आस्था की सच्ची कहानी है, यह कोई झूठ नहीं है दोस्तों। क्योंकि आज के समय में भी, आज के जो समय में भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जब परमेश्वर ने उनकी जान बचाई है, उनकी मृत्यु के मुँह से उनको निकाला है और जो जो मनोकामनाएं की है उसको पूर्ण किया है। और परमेश्वर ने मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ किया है और ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। शायद मेरा भी जीवन इन धार्मिक कथाओं का एक हिस्सा बन जाएगा दोस्तों। आने वाला समय मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आने वाला समय बड़े ही मुश्किल हो, ये मुश्किल, ये तकलीफें कोई बात नहीं, लेकिन इन मुश्किलों तकलीफ़ों से ही मुझे मेरे भगवान मिल जाएंगे, यह मैं जानती हूँ। तो इस प्रकार से आप सच्चे हृदय से व्रत कीजिए, जो भी छल कपट रहित होगी, यानी कि मन साफ रखता है, सच्चे कर्म करता है, उसकी वाणी हमेशा भगवान सुनते हैं। आप कितना भी जाप पूजा दिन रात चाहे भूखे रहिए, महीनों महीने भूखे रह जाइए, भगवान नहीं सुनने वाले हैं। भगवान उनकी सुनते हैं जो मतलब सच्चे हृदय से उनको पुकारते हैं। भूखा रहने से भगवान नहीं सुनते हैं। आप चाहे भूखे मतलब ना रहें, व्रत ना करें, लेकिन आप इंसानों की सेवा करें और अच्छा सोचें तो सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी भक्ति है, यही सबसे बड़ा प्रसाद है भगवान के लिए। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, लेकिन आप दिन रात लोगों की बुराई कर रहे हैं, दिन रात लोगों से जल रहे हैं, दिन रात लोगों की बुराई कर रहे हैं, दिन रात लोगों को बद्दुआ दे रहे हैं, इधर मुँह में राम राम है, बगल में छुरी है, तो इस तरह से तो आपके कोई व्रत सफल नहीं होने वाले हैं। यही कारण है आपके व्रतों का असफल होने का। आप बुरा माने चाहे भला, चाहे आप लाइक करें या अनलाइक करें, यही सत्य है। क्योंकि हम जो लोग हैं ना, हम अपनी जो गलतियों को स्वीकार नहीं करते, जल्दी से अपनी गलतियों को देख नहीं पाते, और जो अपनी गलतियों को देख पाए वही आगे बढ़ता है। तो मैं यही कहूँगी, अगर व्रतों को आपको सफल बनाना है तो आपके मन को साफ रखें। ये नहीं कह रही कि आपको क्रोध नहीं आएगा, ये नहीं कह रही कि आपको लोभ मोह काम वासना इस तरह की कोई भावनाएं नहीं है। ये संतुलित रूप से होना भी हमारे लिए लाभदायक होती हैं। अगर ये नहीं होगी तो हम जीवन नहीं जी पाएंगे, संसार में नहीं जी पाएंगे। लेकिन अत्यधिक होना यानी कि ज़्यादा होना, ये बहुत हानिकारक होती हैं। तो इस तरह से आप इतना लालच ना करें और पहली बात मन साफ रखें तो आपके व्रत अवश्य ही सफल होंगे। आज तक मेरे सारे व्रत सफल हुए हैं। मैंने पढ़ाई के लिए शिव भगवान को पढ़ाई के लिए व्रत किया था सोमवार का, कोई 16 सोमवार नहीं किया था, इसी तरह से किया था। और भगवान शिव से कामना की थी कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँ। शादी से पहले मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो पाई थी और शादी के बाद भी असंभव था, तो मैंने फिर ग्रेजुएशन भी पूरी करी। उसके बाद मैंने सैनिटरी इंस्पेक्टर का रेगुलर स्टडी कोर्स किया, मतलब एक साल की पढ़ाई करी, जो कि असंभव थी एक हाउस वाइफ के लिए और मेरे लिए असंभव थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रेगुलर स्टडी करूँगी, और हमेशा भगवान की कृपा से मेरे अच्छे मार्क्स आए। हमेशा उन्होंने मेरी हर तकलीफ में मदद करी है, सहायता करी। हमेशा जो भी मैंने व्रत किया, चाहे वो माता वैभव लक्ष्मी का था, माता संतोषी का था, या भगवान शिव का था, या एकादशी का था, वह सब सफल हुआ है। जो भी मैंने मनोकामना करी, भौतिक आध्यात्मिक, सभी संपूर्ण हुई हैं। तो इसी कामना के साथ कि परमेश्वर शिव भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, इस व्रत कथा को मैं संपन्न करती हूँ, पूर्ण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमस्ते।